हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूरिनरी सिस्टम, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। हम बात करेंगे यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स जो होती है उनकी, ठीक है। तो किडनी के फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखेंगे तो क्या होता है, यूरिनिफेरस ट्यूबुल क्या होती है, बहुत कलेक्शन होता है न्यूमरस यूरिनिफेरस ट्यूबुल का, ठीक है, जो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। जो इच यूरिनिफेरस ट्यूबुल जो होती है वो क्या होती है, एक्सक्रीटरी पार्ट से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है, और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है, ठीक है। और जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन में, अलग अलग नेफ्रॉन में ड्रेन होती है और ज्वाइन होकर क्या करती है, लार्ज ट्यूबुल्स बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, पेपिलरी डक्ट, ठीक है। और एक पेपिलरी डक्ट जो होती है वो क्या होती है, ओपन होती है माइनर कैलिक्स में, जो कि रिनल पेपिला जो होती है उसके एपेक्स में होते हैं, ठीक है। और इच किडनी क्या करती है, मतलब जब एक किडनी होती है उसमें क्या होता है, 1 to 2 million नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे नेफ्रॉन के पार्ट्स की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।